हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दौर को करीब से जीने वाले उन दिनों के टीवी विज्ञापनों को नहीं भूले होंगे, मगर कभी सोचा है उन विज्ञापनों को खास बनाने वाले बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ? चलिए आज हम आपको पुराने दौर में लिए चलते हैं और बताते हैं कि वो बच्चे कौन थे जो रसना से लेकर धारा या सन ड्रॉप ऑयल या फिर एक्शन शूज के विज्ञापनों में नजर आते थे। आज आपको पता लगेगा कि इनमें से कोई बड़ा डॉक्टर या फुटबॉलर बन गया तो किसी का खौफनाक अंत हो गया। पुराने दौर के विज्ञापनों में सबसे पहले बात करते हैं सन ड्रॉप तेल के विज्ञापन की। इस एड में पीला जंपसूट पहने एक बच्चा नजर आता था जो सोकर उठता है तो खुशबू सूंघकर रसोई की ओर भागता है। रास्ते में खुद से भी बड़े बड़े गुलाब जामुन और पूड़ियां देखकर चौंक उठता है। उस दौर के बच्चों में ये बहुत मशहूर हुआ करता था। इसमें जो बच्चा दिखाया गया था उसका नाम निशांत मेहरा है। 1989 में कंपनी ने बच्चों के जरिए मध्यम वर्ग को टारगेट पर लेने की योजना बनाई थी। बंबई के रहने वाले निशांत उस समय सिर्फ 7 साल के थे। एड मेकर्स को वो पसंद आ गए और उनको ये विज्ञापन मिल गया जिसने उनको उस दौर के लोगों के दिमाग में अमर कर दिया। हालांकि निशांत आगे चलकर एक्टिंग में नहीं गए, वो एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। निशांत ने मुंबई फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत के दम पर वो कुछ ही समय में इस क्लब के कैप्टन बन गए। वैसे निशांत देश के बड़े फुटबॉलर बनकर उभर रहे थे, मगर अचानक बदकिस्मती ने उनको घेर लिया। फरवरी 2011 में वो डोपिंग टेस्ट में फंस गए। उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। बस यहीं से उनका करियर खराब हो गया। उन्होंने वापसी तो की लेकिन फिर वो जादू नहीं रहा। इन दिनों सन ड्रॉप बॉय बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है। वैसे क्या आपको पता है, निशांत को पता ही नहीं है कि इस एड के दम पर वो कितने मशहूर हो चुके थे। दूसरा एड तो आप भूल ही नहीं सकते। टीवी पर जैसे ही आवाज आती ओहो स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम, वैसे ही दिमाग में एक घुंघरेले बाल वाला बच्चा आ जाता था। 90 के दौर में जूते के एड में आने वाला बच्चा पता है कौन था और अब कितना बड़ा आदमी बन गया है, चलिए हम बताते हैं। घुंघरेले बाल वाला वो चाइल्ड एक्टर तेजन था। पूरा नाम तेजन पी दीवान जी। बंबई में जन्मा ये बच्चा भले ही छोटी उम्र में जूते के विज्ञापन में नजर आया करता था, मगर वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। इसी वजह से उसने आगे चलकर एक्टिंग की दुनिया में न आने का फैसला कर लिया था। शुरू से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले तेजन ने पढ़ाई पर फोकस किया। आगे की पढ़ाई के लिए तेजन साल 2008 में अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन किया। 2013 में एमडी करने के बाद तेजन अब अमेरिका के मशहूर कैंसर डॉक्टर बन गए हैं। वो मैरीलैंड में रहते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं। तीसरे की बात करें तो 90 के दशक का ना आप ये विज्ञापन भूले होंगे ना ही इसमें दिखने वाला बाल कलाकार। धारा ऑयल का ये विज्ञापन था जिसमें दिखने वाला चाइल्ड आर्टिस्ट परजान दस्तूर था। आपको भी ये एड याद होगा जब बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन पर चले जाता है और जलेबी की बात सुनकर वापस आता है। मगर क्या आपको पता है कि परजान कंपनी की पहली पसंद नहीं था, उसे तो ये एड किस्मत से मिल गया था। इस एड के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। असल में उस दौर में धारा तेल की डिमांड घटती जा रही थी। कंपनी को किसी भी हाल में सेल बढ़ानी थी। योजना बनी कि एक विज्ञापन बनाया जाए जिसमें माँ और बेटे के साथ कंपनी के तेल में पके खाने का इमोशनल जुड़ाव हो। स्क्रिप्ट बनी तो उस समय था कि बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चला जाता है और कचौड़ी की बात सुनकर लालच में वापस घर आ जाता है। मगर एड में एक बुनियादी गलती थी जो इस विज्ञापन को बना रही मुद्रा कंपनी के तत्कालीन हेड
जगदीश आचार्य की माँ ने बताई। जगदीश ने जब बातों ही बातों में स्क्रिप्ट अपनी माँ को सुनाई तो वो बोली कि छोटे बच्चों को कचौड़ी का इतना लालच नहीं होता कि वो घर वापस आ जाएं। ये उनके लिए बहुत मसालेदार होता है। उन्होंने कचौड़ी की जगह जलेबी का आइडिया दिया और इस तरह बच्चे के हाथ में जलेबी आ गई। मगर जिस बच्चे को ऐड करना था वो अचानक बीमार पड़ गया। पर जान दस्तूर उस समय छोटे बच्चों की आवाज डबिंग करता था। जब उसको जलेबी बुलवाया गया तो उसकी आंखों की चमक देखकर उसी को ये ऐड मिल गया। विज्ञापन बना और ऐसा छाया कि धारा तेल की बिक्री अचानक से बढ़ने लगी। 1993 में मुंबई में जन्मे परजान को इसके बाद कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म में रोल मिल गया था। वही सिख बच्चा जो सिर्फ इशारे किया करता था। परजान ने मोहब्बतें, जुबैदा, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है, हाथी का अंडा, ब्रेक के बाद और दिल बार बार में भी रोल किया था। धारा के एड वाला ये छोटा बच्चा परजान भी बड़ा हो चुका है और फिल्म लाइन में कमाल कर रहा है। वो मशहूर स्क्रिप्ट राइटर बन गए हैं, कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। इसके साथ ही अभिनेता के तौर पर फिल्मों से जुड़े रहते हैं। साल 2021 में उन्होंने देलना श्रॉफ नाम की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। अब अपने माता पिता, भाई और पत्नी के साथ मुंबई वाले घर में ही रहते हैं। अब चौथे विज्ञापन और उस बाल कलाकार की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको 80-90 वाला दौर याद है तो आपको रसना का एड भी याद ही होगा। छोटी सी बच्ची आती थी और कहती थी, आई लव यू रसना। उसके सिर्फ बोलने भर से मन मीठा हो जाता था। क्या आपको पता है कि ये छोटी सी बच्ची अब क्या कर रही है? रसना के विज्ञापन में आने वाली बच्ची अंकिता जवेरी थी। 1976 की बात है, अहमदाबाद में खंबाटा परिवार था जिसने इसे जाफे के नाम से लॉन्च किया था। मगर बात नहीं बन रही थी क्योंकि कोई ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक को जाफे के नाम से जान ही नहीं पा रहा था। ऐसे में उस परिवार के बेटे आरिश खंबाटा ने इसका नया नाम रखने की सोची। उन्होंने इसे फलों के रस से जोड़ दिया और जाफे को रसना नाम दे दिया। मगर अब इसे मध्यम वर्ग से जोड़ना था। ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की तलाश हुई जो घर घर से जुड़ जाए। लेकिन आरिश ने कहा कि बच्चा नहीं, बच्ची को एड में लिया जाए क्योंकि रसना लड़की का नाम ज्यादा लगता है। अंकिता जवेरी उस समय बच्ची थी, उनको ये विज्ञापन मिल गया। बस फिर क्या, अंकिता का रसना ग्लास देखकर बोलना आई लव यू रसना तो इतना मशहूर हो गया कि घर घर में सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ही रसना बन गया। अंकिता ने भी इसके बाद साउथ फिल्मों का रुख कर लिया। 2003 में जूनियर NTR के साथ आई उनकी फिल्म सिमाद्री से अंकिता साउथ में छा गई थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में देखकर खूब नाम कमाया। साल 2016 में अंकिता ने मशहूर बिजनेसमैन विशाल जगताप के साथ अमेरिका में शादी कर ली। दोस्तों, विज्ञापनों के जरिए घर घर छा जाने वाली पांचवीं बाल कलाकार भी रसना के एड में नजर आती थी। अंकिता के बाद वो दूसरी रसना गर्ल बनाई गई और देखते ही देखते उसकी लोकप्रियता ने अंकिता को भी मीलों दूर छोड़ दिया था। उस बाल कलाकार का नाम तरुणी सचदेव था। 14 मई 1998 को जन्मी तरुणी के पिता बिजनेसमैन, जबकि माँ गीता सचदेव इस्कॉन मंदिर की भक्त मंडली की सदस्य थीं। जिस उम्र में दूसरे बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में मुंबई में रहने वाली तरुणी मंदिर के नाटकों में एक्टिंग करने लगी थी। यहीं से पहली बार उसको रसना गर्ल बनने का मौका मिला था। मासूम सी बच्ची का रसना विज्ञापन इतना मशहूर हो गया था कि लोग पुरानी वाली बच्ची को भूल गए थे। तरुणी इसके बाद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। उसको एक के बाद एक कोलगेट, ICICI बैंक, रिलायंस मोबाइल, गोल्ड विनर, शक्ति मसाला जैसे कई टेलीविजन विज्ञापन मिल गए थे। तरुणी को फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। अमिताभ के साथ पा फिल्म में भी उसने काम किया था। शाहरुख खान के टीवी शो क्या आप पांचवी पास से तेज है में भी तरुणी कंटेस्टेंट बनकर पहुंची थी। मगर क्या आपको पता है कि बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रही तरुणी अब इस दुनिया में नहीं है? जी हाँ, उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ था। साल 2012 की बात है, तरुणी का जन्मदिन था तो माँ ने नेपाल जाकर दर्शन का प्लान बनाया। तरुणी का नेपाल जाने का मन नहीं था लेकिन माँ ने जिद की तो साथ चली गई।
जाते जाते अपने दोस्तों से गले मिली और हंसकर कहने लगी, कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो यह आखिरी मुलाकात होगी। सब उसकी बात पर हंस दिए, मगर किसी को क्या पता था ये बात सच होने वाली है। तरुणी जिस प्लेन में माँ के साथ सवार हुई वो प्लेन क्रैश हो गया और सिर्फ 14 साल की तरुणी और उसकी माँ दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। रसना गर्ल अब लोगों की यादों में सिमट कर रह गई है। दोस्तों, आपको इन पांचों विज्ञापनों में कौन सा याद है और कौन सा एड या बाल कलाकार आपको सबसे ज्यादा पसंद था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।